कन्हैया कुमार के साथ है, नया चेहरे को नया चांस देंगे। बीजेपी वाले कहते हैं कहीं कहीं बटन दबाना, वोट तो बीजेपी को ही जानी है। मोदी जी चाहे नया चेहरा लेके आए दिल्ली में, मनोज तिवारी की जगह उन्हें दूसरा चेहरा लाना, उस नचैयों को बिल्कुल हटाएं, नचैयों को गवैयों को बिल्कुल हटाएं। नहीं तो ढोल ताशा हम भी बजाना जानते हैं। आमना सामना होना चाहिए कि कौन कितने पानी में है, पता तो लगे कौन कितना अच्छा गा सकता है। पब्लिक के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करा। तो मनोज तिवारी जी आए कन्हैया जी के सामने, कन्हैया जी के सामने आए, उनसे भेंट करें, डर क्यों नहीं है मनोज तिवारी जी? सबको लग रहे डर रहे हैं। बीजेपी ने एक ही काम किया, राम मंदिर बनाया। कांग्रेस ने जो दिया है उसे भी नहीं भूलना चाहिए। तिवारी कहाँ थे? भारी तिवारी ने बता करा क्या था साल में तेरे इलाके में? अरे कुत्ता खड़ा कर दो, वो भी जीत जाएगा मोदी के नाम पे। मोदी जीत रहा। मनोज तिवारी तो फिल्म अपनी बिहारी फिल्में बना रहा है, अपने दफ्तर में बैठा है। कभी भी जमुना पार में मनोज तिवारी आया देखा है? मोदी के सामने कोई खड़ा होने वाला बंदा है तो सिर्फ केजरीवाल और कोई है नहीं। उसको नचाना हम भी जानते हैं, मगर वो हमारे ढोल ताशे पे नाचना नहीं चाहता, वो ऑर्केस्ट्रा फैमिली पसंद करता है। अंदर की राजनीति गडकरी का खेल बिगाड़, चिड़े बैठे हैं खूब अच्छी तरह खेल बिगाड़ेंगे उसका, बता लिख ले मेरा हाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शालिनी। इस वक्त मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ से आपको बता दें जो सांसद है वो मनोज तिवारी है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से इस बार कन्हैया कुमार को उतारा गया। ये बेहद ही दिलचस्प सीट है जहाँ इस बार काफ़ी ज़्यादा टक्कर का मुकाबला माना जा रहा है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को चुनौती दी है, एक ओपन चैलेंज दिया है एक इंटरव्यू के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मनोज तिवारी को चैलेंज करते हैं कि वो आमने सामने आकर एक डिबेट रख ले और इस डिबेट के लिए जगह तारीख हर चीज़ मनोज तिवारी तय करें। और ये उन्होंने चैलेंज जो दिया है एक इंटरव्यू के अंदर दिया, तो क्या वाकई जनता चाहती है कि वो दोनों एक साथ आमने सामने आए? उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता चाहती है कि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार को आमने सामने खड़ा किया जाए और वो लोग बात करें इन लोगों के मुद्दे पर और उन मुद्दों पर जिनसे जनता जुड़ी हुई है। आइए चलते हैं यहीं के लोगों से जानते हैं। देखिए आसपास बता दूं यहाँ पर लोग भी इकट्ठे हो चुके हैं, पास में पान की दुकान भी है जहाँ पर ज़्यादातर लोग आ जा भी रहे हैं, तो कोशिश करते हैं यहाँ पर जाने की। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है जी। प्रेम सिंह जी है, यहीं पर रहते हैं? यहीं रहते हैं जी, यहीं पैदा हुए हैं। अच्छा, यहीं पैदा हुए हैं। कितने साल हो गए लगभग? हमें कम से मेरी 60 साल की उम्र है। अच्छा 60 साल की उम्र है आपकी। अच्छा इस सीट से इस बार कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी उतरे हुए हैं और काफी ज्यादा कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इस बीच मनोज तिवारी को कन्हैया कुमार ने चैलेंज दिया है कि वो आए और ओपन डिबेट के लिए उनके सामने आए और तारीख और जगह वही तय करें। तो क्या लगता है कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की डिबेट होनी चाहिए? मुझे यहाँ के बंदे, यहाँ के हम बताते हैं कि कितने लोगों ने मनोज तिवारी को आज तक आते हुए यहाँ देखा है? इलेक्शन में देखा है, जब इलेक्शन होता है तब मनोज तिवारी नजर आता है। आज ये सड़कें को क्या हाल है? मनोज तिवारी आया, मनोज तिवारी तो फिल्म अपनी बिहारी फिल्में बना रहा है, अपने दफ्तर में बैठा है। कभी भी जमुना पार में मनोज तिवारी आया देखा है? आसपास सब लोगों बोल रहे कभी मनोज तुम्हारी में आ गए, तुम्हारा दुख सुख या कुछ देखा है? कन्हैया लाल ये सड़क नहीं बनाएगा, मनोज तुम्हारी आगे पब्लिक का पूछेगा तो सही, या पब्लिक उसके पास जाएगी? उसके पास टाइम ही नहीं है मनोज तिवारी के पास। वो आज हम किसी भी कोई चीज़ लेके जाते हैं, समस्या लेके जाते हैं, वो पता लगता है जी वो तो बिहार में बैठा हुआ है, वो फिल्म की शूटिंग में गया हुआ है, वो यहाँ वो बीच में आया कहाँ है पब्लिक के? हमने कन्हैया कुमार हमने नहीं देखा, अब आएगा। हम भी पब्लिक चाहती है बदलाव कि आए जो हमारी जनता के बीच में बैठे, हमारी कोई समस्या हल करे, हम उसको वोट देंगे। नहीं, मेरा जैसे सवाल था कि उन दोनों के बीच में कोई एक डिबेट चाहती है जनता की, वो दोनों आमने सामने आए और जनता के मुद्दे की बात? तो जनता फैसला करेगी, हम तो कर नहीं सकते। जनता तो आप भी ना, वोट तो आप भी। हम तो कन्हैया कुमार के साथ हैं, नए चेहरे को नया चांस देंगे और नए यंग को नया चांस देंगे। बिल्कुल। कन्हैया कुमार कहाँ से आए बताइए, बिहार से बोल रहे हैं? वो तो मुझे पता ही है, बेगूसराय से आया। बेगूसराय से आया, इन्हें बता देना। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, इनकी बात खत्म हो जाए। एक मिनट, कन्हैया कुमार में आप कितनी उम्मीद देख रहे हैं और क्या चीज ऐसी देख रहे हैं जो मनोज तिवारी में नहीं? हमने उम्मीद तो मनोज तिवारी से भी करी थी, वो हमारी उम्मीद से नहीं निकला। अब आगे इनको नए बंदे को चांस देना चाहिए, नए यंग को चांस देना चाहिए, आगे देखेंगे वो क्या करता है, नहीं तो पब्लिक उसको भी बदलेगी फिर। अच्छा, उनको भी बदल देंगे अगर जनता की? जनता की नहीं सुनेंगे फिर, जनता ही सबसे बड़ा है। अगर जनता की नहीं मानेगा, जनता के साथ नहीं चलेंगे तो उनको ही बदलना पड़ेगा। आप अभी रुकिएगा, मैं और भी लोगों से पूछूं, यहीं ठहरिएगा। सर क्या नाम है आपका? आप बोल रहे थे कन्हैया कुमार के बारे में, बताइए क्या कह रहे थे? मनोज तिवारी आएगा जी यहाँ से। मनोज तिवारी आएगा, मतलब देखिए आमने सामने यहीं पर जनता, कोई कह रहे मनोज तिवारी, कोई कह रहे कन्हैया कुमार।
100% मनोज तिवारी जी, वो तो जैसे इन्होंने कुछ कमियां गिना। मनोज तिवारी को आपने यहाँ जमुना पार्क में कितनी बार देखा है? मैं तो भाई हर हफ्ते देखता हूँ राठी मिल पे। तो नहीं यहाँ पे आएगा क्या वो? नहीं, मनोज तिवारी यहाँ पे आएगा? भाई मनोज तिवारी कैसे आएगा, हमने देखा नहीं आता मनोज तिवारी को। क्या देखना है? केजरीवाल आएगा 100%। हाँ तो ये भाई केजरीवाल के इलेक्शन नहीं है, किसके ये सांसद वाले हैं। सांसद आएगा तो केजरीवाल ही। केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कन्हैया कुमार को उतारा गया। बाप रे, यहाँ पर बहस काफी गर्म होती जा रही है। अंकल जी क्या नाम है? मनोज कोहली। क्या नाम है? मनोज कोहली। मनोज कोहली जी, तो इस इलाके में आप क्या सोच रहे हैं, कन्हैया कुमार या फिर मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार, उसको तो देशद्रोह के मामले में अंदर करना चाहिए। जो उसके आपने पहले भी देखे होंगे उसके सारे हालात, क्या उसने भाषण दिया आज तक? तो आप कह रहे हैं कि जो उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी उस आधार पर उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज करना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये हमारे देश का कानून है जो इसको डिले कर रहा है। तो लेकिन अब तक अगर कन्हैया कुमार ने कुछ किया होता तो उन्हें अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इतना समय हो चुका है, पॉलिटिकल उसमें आ गया वो, इसलिए उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते उसको। तो वो राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है उसको, हर पार्टी का मिल रहा है। मनोज तिवारी ने इस इलाके में ऐसे कौन कौन से आपको लगता है वो काम किए जिस कारण उन्हें दोबारा आना चाहिए? मनोज तिवारी ने कुछ किया नहीं किया, बीजेपी ने कुछ किया है। आदमी आज वोट किसको देख के दे रहा है? क्या देख के? मोदी के चेहरे को देख के दे रहा है। मोदी जी का आज आपकी वर्ल्ड में क्या पोजीशन है और पहले क्या पोजीशन थी? क्या पोजीशन थी आप देखो ना, आप मीडिया में हो, आपको जनता कैसे देख रही है जनता को सब पता है। वर्ल्ड में क्या पोजीशन है आज? वर्ल्ड में आज तक किसी को रेड कार्पेट पे लेके गया था वहाँ पे? आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का गया रेड कार्पेट पे गया वहाँ? मोदी गया, जबकि उसी को उन्होंने पहले वीजा देने के लिए मना कर दिया था, आज वो उसे रेड कार्पेट पे लेके जा रहे। इट मीन्स कुछ उसकी वैल्यू है, कुछ उसमें गट्स हैं कुछ। मतलब अगर मनोज तिवारी जीतते, उन्होंने क्षेत्र के लिए कोई काम किया है नहीं किया, लेकिन मोदी जी के चेहरे पर आप उन्हें वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। हाँ? बिल्कुल देंगे। अच्छा, अभी जैसे कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को चैलेंज किया है कि वो आए उनके साथ एक ओपन डिबेट करें खुले तौर पर, तो ताकि वो दोनों आपस में मुद्दों पर बात कर सके, तो क्या वो डिबेट आप देखना चाहते हैं कि दोनों नेता आपने सामने आए देखें? देखना चाहेंगे, बिल्कुल देखना चाहेंगे। तो लगता है कि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के अंदर जो बहस होगी उसमें वो एक दूसरे के सवाल जवाब को अच्छे से कटाक्ष कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आपको भी लगता है आना चाहिए? बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, और भी लोगों से पूछती हूँ। भैया क्या नाम है, इधर आइए जरा। चलिए अंकल जी, आपका क्या नाम है? अच्छा नहीं बताना, कोई बात नहीं। मैं और यहाँ पर जो एक अंकल है उनसे बात कर लेती हूँ। सर आपका नाम क्या है, क्या नाम है आपका? हेमंत। हेमंत जी, अभी जैसे आपने मेरा सवाल सुना ही होगा कि कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच की बात हो रही है, किसमें उम्मीद दिख रही है आपको इस बार? गठबंधन की सरकार। गठबंधन यानी बोले तो आप फिर कन्हैया कुमार की तरफ बोल रहे हैं? लेकिन अभी तो जैसे कि बोला कि कई लोग बोल रहे हैं मोदी जी के चेहरे पर मनोज तिवारी भी जीत जाएंगे। जो मोदी जी के चेहरे पर तो वोट दिया जाएगा जाएगा, ठीक है। बीजेपी ने देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। बीजेपी को बोलते हैं कि ये करो, एक मिनट सरदार जी, सरदार जी बीजेपी ने एक ही काम कैसे राम मंदिर बनाया? सरदार जी मैं आपके पास आऊंगी, एक बार आप यहीं रहिएगा। देखो बीजेपी ने कोई काम नहीं किया अभी तक, हमने कन्हैया को नहीं देखा है, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कन्हैया जी कैसे हैं, कि हनुमान जी के राम जी हैं, हम देखना चाहते हैं कन्हैया जी हैं कैसे। दूसरी बात, हम अपने बच्चों को एडमिशन भी कराने गए थे कि भाई हमारे को एडमिशन नहीं मिला, हम अपने बच्चों का ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, हम यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हमने बीजेपी को अपील भी करी कि भाई हमारे बच्चों का ट्रांसफ़र करा दीजिए, तो बीजेपी वालों ने कि भाई अब हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने ठीक है जी, मैंने किसके पास जाए, वो कहते कि केजरीवाल के पास जाओ। मैंने सरकार तो दिल्ली में आपकी है, सॉरी ये सांसद आप, हाँ मनोज तिवारी हैं, कि भाई वो अभी नहीं सुनेंगे। मैंने कहाँ गए हैं, कह रहे वो तो गाना गाने गए हैं, फिर किसके पास जाएं हम? तो मतलब समस्याएं सुनने के लिए मनोज तिवारी जी के पास टाइम नहीं है? टाइम नहीं है। तो मतलब अब आपका टाइम आ गया है? वैसे अब हमारा टाइम आ गया, जनता का टाइम, मतलब ये जनता का टाइम है, जनता का टाइम है। अब देखो हमारे पीछे घूमेंगे या तो लोटा लें या तो हाथ में थाली लें, अब कैसे मनाना उनको जनता को वो जाने। लेकिन कुछ 10 सालों में कुछ तो ऐसे काम किए होंगे ना जिससे जनता जो है कुछ तो वोट देगी उनको इन 10 सालों के अंदर, क्योंकि 10 साल थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं। दो बार के इस 10 साल में तो एक भी गाना नहीं गाया, वो भी चल ही रहे हैं, अभी कर रहे हैं वो अपना
भाषण वगैरह बना ही रहे हैं, अभी पब्लिक के सामने नहीं आए हैं और ना पब्लिक की बात सुन रहे हैं वो। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक डिबेट चाहती है जनता की, दोनों आमने सामने आए और दोनों डिबेट करें। बिल्कुल, बिल्कुल आमना सामना हो, आमना सामना, आमना सामना होना चाहिए कि कौन कितने पानी में है, पता तो लगे कौन कितना अच्छा गा सकता है। देखो गाना तो मेरे को भी आता है, गाना तो मैं भी गा सकता हूँ अपने घर में, अपनी फैमिली को मैं भी मना सकता हूँ, पब्लिक को कैसे मनाऊँगा मैं, पब्लिक को भी तो मनाना चाहिए मेरे को भाई। पब्लिक मेरे से नहीं सेटिस्फाई होगी तो मैं कैसे उसको मतलब सेटिस्फाई कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मनोज तिवारी जी आए कन्हैया जी के सामने, कन्हैया जी के सामने आए, उनसे भेंट करें। डर क्यों नहीं है मनोज तिवारी जी? आपको लग रहे डर रहे हैं? हाँ जी। लेकिन किस बात का डर, केंद्र में उनकी सरकार है, कई राज्यों के अंदर उनकी सरकार है और कुछ लोगों का तो कहना है देखिए मनोज तिवारी को अपने काम पे वोट नहीं मिलेगा तो मोदी जी के चेहरे पर तो वोट ले ही जाएंगे। वोट मिल जाएगा, वोट मिल कहाँ से जाएगा, तिवारी जी को कहाँ से वोट मिलेगा, मोदी जी का चेहरे पे वोट मिलेगा, मोदी जी के चेहरे पे वोट मिलेगा। वैसे तो कोई उनकी उम्मीद नहीं है कि वो आ जाए इस बार। इस बार आपको अगर देश के स्तर पर देखा जाए तो इंडिया वर्सेस एनडीए को किस तरीके से आप देख रहे हैं, देश में क्या देख रहे हैं, 400 पार वाली जो बात है वो क्या कैसे देख रहे हैं? नहीं अच्छा सुधार है, सुधार तो अच्छा कर रहे हैं देश के स्तर पर। हाँ देश के स्तर पर ठीक है, लेकिन अपनी सीट पे आपको नहीं लग रहा है। ठीक है सरदार जी आइए, आप इधर आइए, आप बाहर रहे सरदार जी। ठीक है यहाँ पे मैं एक बार इनसे भी बात, एक मिनट अंकल जी से बात कर लेते हैं। वोट जाएगी तो मोदी के चेहरे पे ही जाएगी और किसी के चेहरे पे सिर्फ सिर्फ मोदी के चेहरे पे ही। लोग मोदी को चाहते हैं, वर्ल्ड पे हमारी इज्जत बनाई वो हम देख रहे हैं, लेकिन देखा जाए हमारे लिए पब्लिक के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करा। वर्ल्ड पे बेटे वर्ल्ड लेवल पे करा है, वर्ल्ड लेवल पर इज्जत बनाई है, सब कुछ करा है सिर्फ मोदी के चेहरे पे। लेकिन क्या कह रहे हैं मोदी जी चाहे नया चेहरा लेके आए दिल्ली में। अच्छा उन्हें मनोज तिवारी के लिए उन्हें दूसरा चेहरा लाना, उस नचैयों को बिल्कुल हटाएं, तिवारी को बिल्कुल नहीं चाहते, तुम कुछ भी मत देखो, नचैयों को गवैयों को बिल्कुल हटाएं, नहीं तो ढोल ताशा हम भी बजाना जानते हैं, उसको नचाना हम भी जानते हैं, मगर वो हमारे ढोल ताशे पे नाचना नहीं चाहता, वो ऑर्केस्ट्रा फैमिली पसंद करता है। यहाँ पर मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ जो लोगों को इतना मतलब अंकल जी क्या नाम है आपका? अमरनाथ मिश्रा। अमरनाथ मिश्रा जी, तो मिश्रा जी मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी जिस तरीके की बात हो रही है, कुछ लोग कन्हैया कुमार कह रहे हैं, कुछ मनोज तिवारी कह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ तो मिली जुली बात है जी, कोई कहता कन्हैया को देंगे, यहाँ तो कोई कन्हैया को सपोर्ट कर रहा है, कोई ये तो दुकान है, यहाँ तो जिस तरीके का आदमी आता कि कोई कन्हैया को, लेकिन मनोज तिवारी का वजन यहाँ ज़्यादा है और पकड़ भी पुरानी है जी। है कहाँ से आप? जी हम यूपी के जी। यूपी में कहाँ से? प्रतापगढ़ जी। अच्छा प्रतापगढ़ से है, तो देखिए पूर्वांचली हैं आप भी, मनोज तिवारी भी पूर्वांचली हैं, कन्हैया कुमार भी पूर्वांचली हैं, तो पूर्वांचल वर्सेस पूर्वांचल की क्या देख रहे हैं कि लोग पूर्वांचली समझ के कन्हैया कुमार के पास भी जाएंगे? नहीं पार्टी भी जो है ना मोदी जी को भी तो मोदी को मजबूत करना है, मोदी जी को मजबूत करना है जी, यहाँ वोट पार्टी। यहाँ पर काफी बहस हो रही है, क्या तेरे यहाँ पे बता, ये तो मोदी भारी है, तिवारी कहाँ से भारी, तिवारी ने बता करा क्या 10 साल में तेरे इलाके में हिंदू वाले खड़े कर दे, तुम जीत जाओ, अरे कुत्ता खड़ा कर दे, वो भी जीत जाएगा मोदी के नाम पे, मोदी जीत रहा, मुद्दे मोदी जीत रहा। मुझे भी बता बीजेपी का किसी बंदे ने आज भी आके इस इलाके में कोई काम कराओ तो बता दो, कोई भी काम बता दो, गिनवा दो एक भी काम, ये 10 साल में एक मतलब स्कूल बना कर दिखा दे उनको, हमने स्कूल बना दिया जो ये तो पिछले 25-30 साल से बड़ा था बना हुआ, खम्बा खम्बा। ये पूछ रही हूँ, एक मिनट सवाल मैं ये लोगों से कर रही हूँ कि अभी जो यहाँ पर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है इस बार, तो आपको क्या लगता है? सारी दुनिया को पता कांटे की टक्कर है कहाँ, कुछ भी नहीं है, मोदी जीत रहा, बस बात खत्म, तिवारी पिवारी नहीं जीत रहा, मोदी जीत रहा, तिवारी का तो कोई मैटर ही नहीं है, शक्ल को ही वोट डलेगी, मोदी की शक्ल को ही वोट डलेगी जो डलेगी, को तो जानता भी नहीं कोई, तिवारी को मैंने आज तक बाई फेस नहीं देखा, मुझे भी यहाँ 35 सालों के साथ में रहते हुए बाई फेस नहीं देखा मैंने, कन्हैया कुमार को तो जानता है। अरे इधर आइए, इधर आइए, इधर तुम्हारी ने सिलेक्शन बना दिया, उसके बाप ने बना दिया, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया,
सेंट्रल गवर्नमेंट ये पहले से टेंडर है या भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में ये सब कुछ बना दिया? ये टेंडर तो कांग्रेस के टाइम से चल रहे हैं, ये अब पास हो रहे हैं, ये एक जल्दी काम हो रहा है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा गुस्सा, लड़ाई के लिए आराम से इतनी जल्दी 10 साल में इतनी सड़कें नहीं बनती, इतने पुल नहीं बनते। ठीक है, मोदी ने जल्दी बना दिया, गडकरी ने जल्दी सड़कें बना दी, ये टेंडर आज से नहीं है, 10-20 कांग्रेस का टर्म से चल रहे हैं। 70 साल उन्होंने राज करा, ऐसे नहीं राज करा उन्होंने, उन्होंने पहले टेंडर बना रखे थे, पास अब हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं, मैं हम मानते हैं, लेकिन जो टेंडर वही है ना, काम तो वही चल रहा है जो वो पास कर गए। अच्छा, मतलब लेकिन जैसे बोलते कि इन 70 सालों के अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ, ये कहा जाता है 70 सालों में मोदी जी का, 70 साल में हमारा देश पाकिस्तान के साथ आजाद हुआ, आज पाकिस्तान कहाँ, इंडिया कहाँ है? कुछ अगर तरक्की हुई है तो इंडिया में हुई है। यूनिवर्सिटी मतलब मोदी ने दी थी, ये मतलब जो है मोदी ने दिए थे, ये सारे हॉस्पिटल जितने दिए सारे मोदी ने दिए, सड़कें दिए, पुल दिए जितने मोदी ने दिए थे, ये सारी क्या मोदी ने दे दी 10 साल के अंदर? ये 10 साल के अंदर, हाँ ठीक है, मतलब मानते हैं इस बात को, आज कांग्रेस के अंदर कोई लीडर नहीं है, मगर कांग्रेस ने जो दिया है उसे भी नहीं भूलना चाहिए, मोदी जो दे रहा है उसे भी नहीं भूलना है, मोदी ठीक कर रहा काम, ठीक, उसका एक भी MLA हो या कोई उसका सांसद हो, मैं यूँ बता दूँगा वो काम बढ़िया ये कर रहा, एक गडकरी को छोड़ करके, अब गडकरी को भी देखो निकालने को तैयार बैठे बेचारे को, मुंबई में हारेगा, हराएंगे उसे जबरदस्ती, जबरदस्ती हराया जाएगा, हाँ हराएंगे उसको, ये हराएंगे क्योंकि इनमें लगी हुई है बहुत बुरी तरह, वो अपने महकमे के लिए काम करता है, अपने रोड के लिए काम करता है, देख लो कहीं भी आज तक उसके कहीं भी रोड खराब हुआ, एक भी कहीं पुल गिरा हो, काम कर रहे तो पार्टी का भी तो नाम हो रहा है ना, पार्टी का नाम हो रहा है, मगर लोग उसे अंदर खाने चिड़े बैठे हैं, अंदर की राजनीति गडकरी का खेल बिगाड़, चिड़े बैठे हैं खूब अच्छी तरह खेल बिगाड़ेंगे उसका, बता लिख ले मेरा हाथ है, हारेगा, जबरदस्ती हरावेंगे। देश के स्तर पर देखा जाए, जैसे इंडिया और NDA की बात हो रही है, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? NDA तो ये बेकार क्या है, ये तो बीजेपी को कैसे, खाली बीजेपी है और कुछ नहीं है, बीजेपी हम मानेंगे, इनमें मोदी को हटा दो, योगी को हटा दो, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, केजरीवाल को हमने फंसाई दिए, आपके साथ चलते हैं भारतीय जनता पार्टी मोदी नहीं जाने वाला, ऐसे केजरीवाल भी दिल्ली से नहीं जाने वाला, चाहे कितने जोर लगा लो दिल्ली से नहीं जाता वो, फंसे कोई बात, दोबारा छूट के आएगा और केजरीवाल ही सरकार बनाएगा दोबारा, वही केजरीवाल भी मतलब आएगा, जैसे मोदी कहीं नहीं जाता केजरीवाल भी दिल्ली में से नहीं जाता, लेकिन अभी जैसे उनको तो जेल में रखा है, चुनाव हो रहे हैं देश के अंदर, ये तो इन बड़े पैर पे कुल्हाड़ी मार ली अपने अपने आप, मतलब जो है खड्डा खोदा ना करके अपने आप कुल्हाड़ी मारी है, ये तो पब्लिक को पता लग गया, इनके साथ चलो तो ठीक है, वो सारे फ्री हैं, फिर उनके पर कोई भी अत्याचार नहीं है, कोई पैसा मिला नहीं उनके पास में, बताओ उनको वहाँ तो उनके पास में पैसा वसूल कर लिया सरकार ने, CBI ने, ED ने, BD ने, कोई पैसा वसूल करा अब तक? शराब घोटाला लगा नहीं करा ना भाई, तानाशाही चल रही है, उन्हें पता है अगर कोई लड़ सकता है मोदी के सामने कोई खड़ा होने वाला बंदा है तो सिर्फ केजरीवाल, और कोई है ही नहीं ना बोलने लायक है ना खड़ा होने लायक है कोई, ठीक है, इसलिए बेचारे को उसको मतलब 400 पार की बात मोदी जी कर रहे हैं, उसे कैसे देख रहे हैं? देखो जी हमारे तो सीधी से मैथ है, वो क्या कहते हैं जी कांग्रेस वाले कहते हैं जी हाथ के आगे का बटन दबाना, आप वाले कहते हैं झाड़ू का बटन दबाना, हाथी वाले कहते हैं हाथी के आगे का बटन दबाना, बीजेपी वाले कहते हैं कहीं कहीं बटन दबाना, वोट तो बीजेपी को ही जानी है, मतलब एक बात कह के वो चले गए कि बटन कहीं का भी दबाना, वोट बीजेपी को जाननी है, तो मतलब बात कहने वाले कह गए और समझने वाले अब क्या इसे किस तरीके से लेते हैं, ये बात भी अपने आप में अहम है। लेकिन आप लोग इस बार क्या सोच रहे हैं कि अभी जब दिल्ली के इन चुनावों के होने से पहले क्या एक बार मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार को आमने सामने आकर दिल्ली की जनता, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के मुद्दों पर आमने सामने आकर एक ओपन डिबेट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या सोच रहे हैं नीचे दे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ शालिनी, धन्यवाद।